ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमारा सहयोग देना लेने वाला अपना अधिकार समझ ले तो क्या करना चाहिए? मानव वृत्ति और कर्मों की गति, ये दो अलग चीज है। वृत्ति का निर्माण कर्मों की गति से होता है। कर्मों की गति के अनुसार होता है। किसी को सहयोग लेने की अवस्था क्यों बनी? आपके पास आर्थिक साधन, आर्थिक रूप से या वस्तुओं के रूप से या किसी भी रूप से, शारीरिक, मानसिक, सांसारिक, सामाजिक, सहयोग देने के लिए आपके पास वो समर्थ क्यों आए? कर्मों की गति। यहां तक कि आप समर्थ होते हुए भी केवल उसी को सहयोग देते हैं जिसने आपसे सहयोग लेना, नहीं तो कारण बनेगा आप सहयोग देते भी सहयोग रोक देंगे। आप सहयोग फालतू नहीं दे सकते, कारण बनेगा कि आपके बुद्धि के अंदर ये प्रश्न उठेगा, बस अब नहीं देना, और आप देना बंद कर दो। परंतु तब तक ये प्रश्न उठेगा नहीं, तब तक आपकी भावना में परिवर्तन आएगा नहीं, जितना आपने सहयोग देना है आप देंगे। और उसके मन में ये संकल्प आना कि मेरा अधिकार है, वो भी कर्मों की गति पर आधारित, ताकि आपको फीलिंग आए ये भी कार्मिक अकाउंट। वो वृत्ति है मानव की कि मिलते लड्डू को अधिकार समझ लिया जाता है, प्रसाद को भी अधिकार समझ लिया जाता है, परंतु ये भी तब तक समझेगा तब जब तक उसने वो लेना। जैसे ही लेने का संकल्प परिवर्तन होगा, भला हिसाब किताब बराबर होगा, उसकी बुद्धि में परिवर्तन आएगा, मुझे नहीं लेना। आप देना भी चाहेंगे तो नहीं लेगा, या उसके पास इतना सामर्थ्य होगा कि वे प्राप्त कर सकता हो, या आपकी कोई बात उसे चुभ जाएगी और वो अलग हो जाएगा, उसके बाद वो सहयोग नहीं लेगा।
कि कर्मों की गति के हिसाब से चेक करेंगे तो एक एक स्टेप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। ठीक है, और कोई प्रश्न हो या इसे और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करेंगे, या आपका कोई प्रश्न है तो 921310698 पर व्हाट्सएप करेंगे।